गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए फ्रेंड, आज की ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी बज चुके हैं सवेरे के 7। मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली है। अभी आज मैं सवेरे अपना ब्लॉग स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। कल रात हमारा बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। हमने सोचा हम कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, तो दिखाते हैं कल रात क्या हुआ था। आइए मेरे साथ। हमारी गाड़ी आज गेट पे क्यों खड़ी है? हमारा तो गैरेज ऊपर था। दिखाते हैं आपको वहाँ क्या क्या हो रहा है। चलो आइए। कल रात हमारे गांव में आपदा आ गई थी। सबसे भयंकर वाली आपदा तो मेरे लिए ही आई। दिखाती हूँ आपको क्या क्या हो रहा है आगे। हमारे घर के किनारे में बरसाती नहर है। पानी बरसाती नहर में ना आके पूरे खेतों को फाड़ के खेतों के बीचों बीच जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा गाड़ी का ढेर है, ये देखिए इतना पानी पड़ रहा है। इतना मलबा भी यहाँ पर भर चुका है और ये देखो इतना पानी है, इतना कीचड़ भर रखा है, गाड़ियों का जाना भी मुश्किल हो गया है। हमारे घर के जस्ट पीछे इतना बड़ा नाला है और जब बहुत भयंकर वाली बारिश होती है ना, ये पानी इस नाले में जगह नहीं होगी, हमारे घर के ऊपर से चढ़ जाता है। यह पानी भी यहाँ पर अपना पूरा का पूरा रास्ता बना चुका है। अब हमेशा यहीं से आएगा ये पानी, आप देख सकते हैं कितना पानी आ रहा है। ओ ऊपर से देखो, ये यहाँ से इतना पानी आ रहा है। तो फ्रेंड, कल रात हमारे लिए अपनी गाड़ी को सेफ रखने के लिए भी जगह नहीं रही। यहाँ सारा का सारा पानी से भरा हुआ था कल रात करीब 2-2:30 बजे, और यहाँ से वो उधर तक पानी भरा हुआ था, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी नीचे पानी गया, यहाँ सीधे मेरे किचन में गया। ये यहाँ पर है इतना बरसाती नहर है घर के जस्ट बगल में, दिखाती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से सारा पानी नीचे जाके छत में गया मेरे। ये हालत हो रही है हमारे छत की। पूरा घर, हमारे कमरे पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं। ये बच्चे भी यहाँ से आगे देखने के लिए, यहाँ से लोग जा रहे हैं पैदल। पानी ने यहाँ से अपना रास्ता ही बना दिया, ये देखो इतना भयंकर वाला पानी। मेरे बच्चे भी अभी उठ के देखने के लिए आए हैं, ये देखो ये है खेतों की हालत। हमारे किचन में भी इतना पानी भरा हुआ है। हमारे घर की हालत कुछ इस प्रकार से हो गई है। हमारे कमरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है, 3 के 3 कमरों में सारा का सारा पानी और पूरा मिट्टी भरा हुआ है। एक ही यही वाला कमरा बचा है। यहाँ तक कि इसने पूरा बरामदा, पूरा लेटरिन बाथरूम तक भी नहीं छोड़ा है। दिखाती हूँ आपको बाथरूम के अंदर भी कितना पानी भरा हुआ है मेरा। ये इतना मिट्टी का मिट्टी आ रहा है। ये देखिए इतना फुल टंकी जैसा भरा हुआ है बाथरूम, इतनी मिट्टी यहाँ पर भर चुकी है। ये यहाँ से नीचे के हालात कुछ इस प्रकार से हैं। ये है हमारे खेत। इतना भयंकर पानी आ रहा है। ये देखिए सामने रहा मेरा पोलिया हाउस। पोलिया हाउस की भी हालत कुछ इस प्रकार से हो गई है। उसके किनारे से इतना पानी आ रहा है, अंदर भी पानी भर चुका है इसका। तो चलिए देखते हैं नदी कितनी भयंकर वाली आ रखी है। ये नदी ने कुछ
इस प्रकार का रूप ले रखा है ये, आप देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे था गाय बच्चों का ग्वाल, वहाँ पर इस प्रकार की हालत हो गई है। वो तो सूख रहे हैं, हमने गाय बच्चों को ऊपर वाले ग्वाल में बांध दिए थे। ये हालत हो गई है, इतना पानी जा रहा है। बस कहूँ दोस्तों, कल रात हमारा बचवाना भी मुश्किल हो गया था। बच्चे सो रहे थे, रात के करीब 1-1.5 बजा था और भयंकर वाली बारिश हो रही थी। हमारे घर के छत के ऊपर से, कॉम रूम में, बरामदे से, गैलरी से सारा का सारा पानी आ रहा था। रात में बच्चों को भी ले जाते तो कहाँ ले जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, सोए थे, इतना डर लग गया। वो तो हमको ही पता होगा, शुक्र करो किस भगवान ने हमें बचा दिया। थोड़ी बारिश रुक गई तभी हम घर से बाहर निकले। पहले तो भयंकर वाली बारिश हो रही थी, हमारा बाहर आना भी मुश्किल हो गया था। और मेरे हस्बैंड जी आए तो वहाँ देखा तो भयंकर वाली बारिश के कारण हमारे गैलरी में से कपड़े, बर्तन, कुर्सी उर्सी सब बह के नीचे आंगन में आ गए थे। कल रात तो हमारे गांव में भी बादल फटा और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने कल रात भी शूट कर रखा था, अंधेरा हुआ था ना, लाइट थी और इमरजेंसी के उजाले से मैंने थोड़ा बहुत शूट कर रखा है, दिखाऊंगी आपको। ये है कल रात वाली सीन, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सारा संसार रात के बीच में चैन की नींद सोया होगा। हम अपने बाल बच्चों को अंदर बंद करके इस तरह रोड में घूम रहे थे। ऐसा लगा होगा हमारे मन में, क्या सोची होगी हमने, कहाँ जाते हम इस रात के बीच में। अब आ गई है यहाँ पर मशीन, देखते हैं मशीन भी कितना साफ करता है। ये भी बस सीधे रोड की मिट्टी हटाएगा और ऊपर वाला मोलवा तो इसने छोड़ना ही छोड़ना है। इस मशीन वाले को बताया कि ये मलवा साइड कर, फिर भी ये अपना जैसा काम करके चला गया। इसने हमारी नहीं सुनी, थोड़ा सा रोड का मलवा हटा दिया और सीधे चला गया। ऊपर साइड वाला मलवा इसने छोड़ दिया और मशीन भी चली गई है। देखते हैं अब क्या होता है। इस प्रकार की हालत हो रही है हमारे घर की। लग जाते हैं काम में, सफाई तो हमको ही करनी पड़ेगी, कोई बाहर वाला तो आने वाला है नहीं। इतना सामान हमारा गैलरी में से बह के नीचे आया था। नाले के पानी से ही हम इस मिट्टी को करेंगे साफ, क्योंकि हमारे नल में पानी भी नहीं है, नल सारे टूट चुके हैं। यहाँ पर बच्चे लगे पड़े हैं ये काम में। नल का पानी टूट गया, इसे यहाँ से निकालना पड़ रहा है। कर देना इसी बात पे। यहाँ पर बच्चों ने कुछ इस प्रकार की स्कीम निकाली हुई है, दरवाजे को बांध रखा है दूसरे दरवाजे में। मुझे
यहाँ पे आया हुआ है कमल, जो कि मेरे जीएचजी का लड़का है और भावेश भी लगा है। यहाँ पर है गौरव, यहाँ पे है हमारे जेठा जी के घर वाले भी आए थे, उनकी किस्मत भी ऐसी फूटी है, वो भी हमारे साथ काम में लगे पड़े हैं। क्या कर रहे हैं, करना तो हुआ ही, साफ तो करना ही है। तो हम लोग सफाई कर ही रहे थे, यहाँ खटगेड़ा गांव से लोग भी देखने के लिए आ गए हैं, उन्होंने सुना कि वहाँ आपदा आई है करके, ये देखो ये देखने के लिए आए हैं बहुत दूर से। ये ये कमरे में इतनी मिट्टी भरी हुई है, इस प्रकार से साफ कर रहे हैं ये। तो फाइनली फ्रेंड हमने साफ सफाई भी कर ली है। सवेरे देखा होगा आपने कैसा हो रहा था हमारा यहाँ पे, ये बड़ी मुश्किल से हमने पूरा दिन बिताया इसको साफ करने में, और बहुत मेहनत भी लगी, बहुत थकान हो रही है, हाथ पांव में दर्द भी हो रही है। गौरव ने भी बहुत काम किया, लास्ट में इसने क्या किया, मिट्टी से अपने आप को पोत लिया, क्रीम बना लिया, उससे हमने शॉर्ट्स भी बनाया, देख लेना हमारे चैनल में जाके। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मौसम देखो इतना काला काला हो गया है, जैसे कि अब अंधेरा होने वाला होगा। और फ्रेंड आज तो हमारे लिए बहुत दुख भरा दिन था, कल रात से हम अभी तक चलने में साफ सफाई में ही हैं, और नल में पानी नहीं आ रहा है, और वो रोड के ऊपर पानी निकल रहा है, वहाँ से हमने प्लास्टिक वाला पाइप लगा के ड्रम भरे, सेंटेक्स भरे, फिर बाल्टियों से धोया। इस साफ सफाई के कारण आज हम लोगों ने अपने शॉर्ट्स भी पूरे तरीके से नहीं बना पाए, और 4 ही शॉर्ट्स बनाए बड़े मुश्किल से, 2 शॉर्ट्स कल बनाएंगे कल सवेरे 7 बजे के लिए। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय दोस्तों।